बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंची साध्वी ने कांग्रेस द्वारा चीन के मामले में खड़े किए जा रहे सवाल पर मीडिया से कहा कि विदेशी महिला के गर्भ से जन्मा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। चाणक्य ने कहा था कि इस भूमि का पुत्र ही देश की रक्षा कर सकता है। यह साध्वी का इशारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर था। साध्वी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में न बोलने की सभ्यता है, ना ही संस्कार है और ना ही देशभक्ति है। मैं कहती हूँ कि देशभक्ति आएगी भी कहाँ से, जब दो दो देश की सदस्यता लेकर रहेंगे। इसके अलावा सांसद ने कहा कि चीन से निपटने के लिए देश तैयार है, केंद्र सरकार चीन को पूरी ताकत से जवाब देगी। भारत की एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत अन्य कई देशों का उदय ही भारत से हुआ है। भारत का पराक्रम और इतिहास पूरा विश्व जानता है। जो देश भारत को आग दिखा रहे हैं, उनकी हमारे देश के वीरों के सामने कोई हैसियत ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोमायरा न्यूज, भोपाल। भारत राष्ट्र सनातनी भी है, पराक्रमी भी है और इस पराक्रम की दृष्टि से ही आज हम जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक बड़ा जो हमारा कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी ने जो प्रदर्शनी लगाई है, सराहनीय है, उनका बहुत बहुत आभार कि ये इस प्रकार से जागरण कर रहे हैं और यही पराक्रम दिखाने के लिए प्रदर्शनी है। मेरा एक ही कहना है कि ये राष्ट्र पुरातन सनातनी और पराक्रमी है, क्योंकि यहाँ के लोग बलिदान देना चाहते हैं। कांग्रेस को तो अपने गिरेवान में झांक कर देखना चाहिए, उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार है और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूँगी, देशभक्ति आएगी कहाँ से, जब दो दो देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चाणक्य ने कहा था कि इस भूमि का पुत्र ही इस देश की रक्षा कर सकता है, विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न कभी कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता।